सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा, बुलेटिन का आगाज करांगे। विक्रम मजीठिया ने प्रकाश सिंह बादल नाल एसआईटी दी होई पुछगिछ ते पंजाब सरकार नूं घेरिया है। मजीठिया ने कहा कि हाई कोर्ट दे दिशा निर्देशों दौरान पुछगिछ दौरान बाहरी दखल नहीं हो सकता, पर पुछगिछ दौरान सेवा मुक्त विजय सिंगला मौजूद सी। विजय सिंगला नूं पुछगिछ दौरान डीएसपी दस्या गया सी। मजीठिया ने कहा कि असी कांग्रेसी आगुआ ते परचा दर्ज कर रहे हैं। एक तो पुछगिछ दौरान तीन मैंबरी कमेटी शामिल होनी चाहिए सी, पर सेवा मुक्त विजय सिंगला भी इसका हिस्सा बन हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। दूजा विजय सिंगला पुछगिछ दौरान फर्जी डीएसपी दस्या गया सी, ते इन्होंने साफ तौर पर कह दिता असी शिकायत करांगे ते परचा दर्ज करवावांगे। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू विक्रम सिंह मजीठिया ने कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके कांग्रेस ते इल्जाम लाए ने, जिसका कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका ने विरोध किया है। की कहा उन्होंने, तुसी भी सुनो। भाई हुण अकाली दल दे हाथ इन्हां दे कंबदे ने, पैर भी नहीं रुकदे, मत्थे ते पसीना है। विक्रम मजीठिया जी बुल पए ने सुकदे, हुण तुसी ये जांच दा सामना करन तों घबरा रहे हो, डर रहे हो, गुरुआं दी बेदबी करन दा हुण सामना करना पैना, ते हुण सच सामने आउणा ते सारा टब्बर घबरा के ते तुसी मीडिया दे विच ये लोकां सामने ये झूठी शान दी खातर तुसी ड्रामेबाजी कर रहे हो, नाटकबाजी कर रहे हो। और आम आदमी पार्टी दी मैनू समझ नहीं लगती कि आ जिहड़ी नौकरियां दी गल करदे आ, ये अपना दिल्ली का भी हिसाब देन। ये कहिंदे दिल्ली दा मॉडल लागू कर देना, दिल्ली च एक भी आदमी नूं किसे नूं कोई नौकरी दित्ती है? और मैं समझना कि ये दोनों पार्टियां ये मैच फिक्सिंग है, ये दोनों पार्टियां मिलिया हुई हैं। और ये अकाली दल दी घबराहट बुखलाहट ये बोलती है, ये विक्रम मजीठिया नूं डर पैदा हो गया किते अकाली दल दा अज तक खत्म ना हो जाए। ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने अज पटियाला दे फुहारा चौक नूं जाम किया, ते नियुक्ति पत्र दी मंग करदिआं मुख्यमंत्री दे घर घराव करन पहुंचे, जिते अध्यापकों दे पंजाब पुलिस दे मुलाजमां विचाले धक्का मुक्की होई, जिस तों बाद पुलिस वल्लों अध्यापकों ते लाठीचार्ज भी किया गया। ये तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, पुलिस ते अध्यापकों विचाले धक्का मुक्की दीआं ये तस्वीरां ने। सीएम रिहायश दे वल कूच कर रहे सन ते इन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले ईटीटी टेट पास नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अध्यापक यहां पहुंचे थे, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर उन्हें अपनी हिरासत में भी लिया गया है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, भारी पुलिस बल तैनात है, कुछ अध्यापकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है। कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र की जो मांग करते हुए आज अध्यापक ईटीटी टेट पास ने पंजाब के मुख्यमंत्री का घर का घेराव किया था, लेकिन पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर उन्हें हिरासत में भी लिया गया। पटियाला से कैमरामैन कवलजीत के साथ अविनाश कंबोज, इंडिया न्यूज़ के लिए। मेरा नाम जर्मन हुंदल, असी 2364 सिलेक्टेड यूनियन के कैंडीडेट हाँ। साड़ी इको एक मंग आ कि सानू 2364 भर्ती कंप्लीट की जाए, जिमें कि कैप्टन सरकार घर घर रुजगार का वादा करके आई सी। तुसी देख रहे हो साड़ी भर्ती नूं डेढ़ साल हो चुका वा, कोई एक अद्धा दिन नहीं, डेढ़ साल हो चुका साड़ी भर्ती आई हुई नूं, अजे तक साड़ी भर्ती कंप्लीट नहीं की गई। पिछले 6 महीने हो गए ने साड़ा टेस्ट कंप्लीट होकर साड़ी स्क्रूटनी हो चुकी आ। 6 महीने तो सिर्फ से सिर्फ एक असी नियुक्ति पत्र की वेट कर रहे हैं। इन्नी निकम्मी सरकार अजे तक नहीं आई ते ना आवेगी। सानू सिर्फ साड़ी एक ही मंग आ, साडे नियुक्ति पत्र जल्द तो जल्द जारी किए जाण। असी पिछले 2-3 महीने तो रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, जिदे विच सानू सिर्फ ते सिर्फ एक मीटिंग दित्ती जांदी आ, मीटिंग दे इलावा कुछ नहीं मिलता। मीटिंग दे विच सानू सिर्फ लारे लप्पे लाए जांदे ने। असी कोई साड़ी मंग आ कि सानू नियुक्ति पत्र जल्द तो जल्द 2-4 दिन दे विच ही सानू डेडलाइन।
किसानों वालों भाजपा के आगुआ का विरोध सूबे में जारी है। हाल ही भाजपा सांसद श्वेत मलिक को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसते मलिक ने किसानों सलाह दी है। मलिक ने कहा कि किसानों हाइपर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक आगुआ की कोई गलती नहीं है, उन्होंने गुस्सा ना दिखा तो किसानों संघर्ष की राह छड़ के गलबात विश्वास रखना चाहिए है। देखो अनिल जोशी उन्होंने अपनी एक राय हो सकती है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र की प्रेस अभिव्यक्ति की आजादी है, तुहानू भी आजादी है, मैनू भी आजादी है। सो ये अनिल जोशी जी की निजी राय है, पार्टी की राय नहीं। उसके बारे साढ़े जिला अध्यक्ष सुरेश महाजन जी विस्तृत बयान दे चुके ने उस सारे बयान के उत्ते। सो मैं समझना वा कि पार्टी का बयान उ है जो मैं इस वे थोड़े अगे रखे है कि किसानों नूं लोकतंत्र दे विच आंदे होए टेबल ते, हुण जर्मनी वैसट जर्मनी ते ईस्ट जर्मनी दा किड्डा वड्डा मसला सी जी, वह टेबल ते मुक्या। इस तरह के संघर्ष के नाल ये मसला नहीं मुकदा कि जिदे वॉयलेंट हुण मैं बटाले गया तो वॉयलेंट एकदम हो गए कुछ किसान साथी, तो असी तो राजनीतिक लोग है गए, असी कोई अपराध नहीं किया होया, तो उस लिहाज के नाल वॉयलेंस जिहड़ी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे वालों 26 तरीक न सारे सूबों के राजपाल की रिहायश घेरन का ऐलान किया गया। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों के ट्रैक्टर अज भी दिल्ली कूच लई तैयार ने ते किसान कानूनों की वापसी बिना पिछे नहीं हटणगे। जिक्र खास है कि 26 जून को किसानों वालों सारे सूबों में राजपाल को मंग पत्र सौंपया जाना है। ये किया है कि टैंक ट्रैक्टर और ट्विटर ये हम ही लोग चलाते हैं, ये गांव के लोग चलाते हैं, किसान चलाता है इसको, इन चीज़ों को ध्यान रखकर इसको चलाते रहें। भाई हमारा जो जवान है वो जाएगा वहाँ पे सरहद पे तो टैंक चलाएगा, वही जब गांव में आता है खेत में तो ट्रैक्टर चलाता है, ट्विटर भी वही चलाता है, जो हमारे बच्चे हैं ट्विटर चलाते हैं, तो सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। अभी इसका यह है कि यात्रा यहाँ आ रही है, अब एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को, कल वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके, कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही है। लोग आएंगे दो दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी अगले जिलों से होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है, दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए ये उसकी रिहर्सल है, उसी में ही लोग बैठ करते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार आवे 26 तारीख, तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना, देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से ना, ये ट्रैक्टर गायब हुई है, ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और 25 लाख आदमी भी यहीं है, ये आते जाते रहेंगे। अल्टीमेटम दे भाई सरकार को, हम अल्टीमेटम दे, उन्हें धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख ही इनको माफ नहीं करेगी। 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ, तो ये जो 26 तारीख है 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी, 26 ही स्टेट होंगे इनमें भी इलाज होगा इसका, तो सब जगह 26 तारीख उनको याद रहना चाहिए, सरकार के दिमाग में से 26 तारीख नहीं निकलनी चाहिए। पंजाब विच बिजली दे लंबे कटां तो परेशान किसान सड़कां ते उतर रोस करन नूं मजबूर ने। पंजाब विच थां थां ते किसानां वल्लों रोस मुजाहरा किया गया, निर्विघन बिजली सप्लाई की मंग करते हुए किसानां ने सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। किसानां दा कहना है कि झोने का सीजन है पर बिजली महज 4 तो 5 घंटे ही आ रही है, तो लंबे कटां दरमियान किसान महंगे पाते डीजल फूकण नूं मजबूर ने। अज पंजाब विच कई जिलों विच किसानां ने सड़कां ते उतर के रोस इस तो पहला बीते दिन भी पटियाला दे पसियाना सड़क ते किसानां ने बिजली दी किल्लत दे कारण सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता सी। तस्वीरां तुसी वेख सकदे हो लुधियाना खन्ना फगवाड़ा हुशियारपुर जलंधर ते मानसा दीआं इह तस्वीरां ने जिथे वख वख तरह
किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कितने काले झंडे विखाए गए हैं, कितने नारेबाजी की जा रही है, कितने जाम लगा दिता गया है। ये वख वख थावां दीआं तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन पर तुसीं वेख सकते हो कि किसान किन्ने परेशान ने। लुधियाना दीआं ये तस्वीरां ने, खन्ना दीआं तस्वीरां ने, फगवाड़ा विच किसान प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं, होशियारपुर विच पुतला फूक के प्रदर्शन किया गया, तो जलंधर विच जाम लगा दिता गया, मानसा विच प्रदर्शन जारी है। मानसा विच छेवें पे कमीशन दीआं सिफारशां ते एनपीए विच कटौती दे विरोध विच पीसीएमएस एसोसीएशन दी अगवाई विच सरकारी डाक्टरां ने कलम छोड़ हड़ताल करके कामकाज ठप कर दिता, जदों कि कोविड ते एमरजेंसी सेवा बहाल रखी गई है। डाक्टरां दा कहना है कि सेहत मंत्री इस मामले ते मुख्यमंत्री नाल गल कर रहे ने, पर असी हस्पतालां विच कामकाज बंद रखांगे। उन्होंने कहा कि असी कोविड ते एमरजेंसी सेवावां बहाल रखांगे, जबकि ओपीडी सेवा बंद रहेगी, पर साडी हड़ताल जारी रहेगी। ते जेकर सरकार ने साडी गल ना सुनी तो असी तिखा संघर्ष करते हुए एमरजेंसी सेवावां भी बंद रख देवांगे। छेवें पे कमीशन तो सरकारी डॉक्टर नाखुश नज़र आ रहे हैं। मानसा दीआं तस्वीरां ने एमरजेंसी सेवावां बंद कर संघर्ष की चेतावनी भी दी गई है। सूबे विच वख-वख थावां ते डॉक्टरों वालों प्रदर्शन किया गया ते नाराज नज़र आ रहे हैं छेवें पे कमीशन तो बाद, क्योंकि इन्हां दे कुछ भत्ते ने जिन्हां विच कटौती हुई है। वख-वख थावां ते प्रदर्शन जारी है, मानसा, पटियाला, लुधियाना, भत्तियां च कटौती हो रही है, जिसनूं लैके डाक्टर परेशान नज़र आ रहे हैं। ते अज संकेतक धरना दिता गया। सिखां दे छेवें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े मौके ते यानी हरप्रीत सिंह ने समूची नानक नाम लेवा संगत नूं वधाई दित्ती ते कौम दे नाम संदेश भी दित्ता है। खुशी वाली गल है कि अज मेरी पीढ़ी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब है, और इस महान प्रकाश पुरब दीआं समूह संगतां नूं बहुत 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 मुबारकबादियां। श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते इह पावन पवित्र दिहाड़ा समर्पित वेले बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई प्रंत दीवान सज जिते अज मेरी पीढ़ी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा, उत्थे अज बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का शहीदी पुरब है, और इस शहीदी पुरब नूं भी श्री दरबार साहब वालों गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे मनाया गया। सिख धर्म के खुशी गमी दुख सुख मान अपमान इस तो उपर उठ के सिख को जिंदगी बतीत करने का उपदेश दिता है। इतने धर्म से राजनीति का सुमेल है, संत के शाहपाही का सुमेल है, मीरी के पीरी का सुमेल है। इस करके जिते अज असी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं श्रद्धा उत्साह सहित, उत्थे असी उन्हें सब तो घट जंगल खेतर वाले मानसा जिले में कोविड महामारी दौरान ऑक्सीजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए वख-वख क्लबों वालों बूटे लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसलिए पंजाब सरकार वालों शुरू की गई हरियाली ऐप के जरिए क्लबों वालों बूटियां की मांग करन ते जंगलात विभाग मुफ्त बूटे उपलब्ध करवा रहा है, जदों की पहला प्राइवेट नर्सरिया तो महंगे मुल से बूटे खरीदने पैंदे सन, जिसके चलदे पंचायत क्लबों ते संस्थावां वल्लों वड्डी तादाद विच बूटे ले जाए जा रहे हैं। उन्हां लोकां नूं अपील की है कि बूटे लगाउण तों बाद उन्हां दी देखभाल जरूर करन। गुरदासपुर के पिंड फजूपुर विच उस वेले सनसनी फैल गई जदों पिंड के खेतों विच दो लाशां मिलियां,
दोवें मृतकों की उम्र करीब 40 साल दसी जा रही है ते दोवें मृतक पिंड लेहल दे रहण वाले दसे जा रहे हैं। इतलाह मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच विच जुटी। दसिया जा रहा है कि दोवें मरण वाले का कतल पिंड दे कब्रिस्तान विच सिर ते गमले मार के किया गया ते बाद विच लाशां नूं पिंडां दे खेतां विच ही सुट दिता गया। ये तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो गुरदासपुर दीआं ये तस्वीरां। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है ते सिर ते गमले मार के कतल करन दा खदशा जताया जा रहा है ते लाशां नूं खेतां विच सुट दिता गया। तरन तारण के पिंड वलटोहा विखे गलत मैसेज नूं लैके तकरार इन्नी वध गई कि फायरिंग ते गल पहुँच गई। इस दौरान एक व्यक्ति ते गोली लग गई ते दूजे व्यक्ति नूं हमलावरां ने तेज धार हथियारां नाल जख्मी कर दिता जिन्हां नूं सरकारी हस्पताल पट्टी विखे दाखिल करवाया गया है। थाना वलटोहा पुलिस ने 6 व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ते जांच शुरू कर दिती है। अमरकोट पिंड के रहने वाले इन्होंने 5-6 महीने पहले इतने आके रह लगे पूरे इन्होंने बेटा प्रिंस है जी दयाल सिंह कालीए का मुंडा वो पहला भी झगड़ा आया कि मोबाइल से मैसेज किसी फोन तो रात आपसे समझौता करने वास्ते इतने आए थे समझौते दौरान ही इन्होंने को मैंने तो गल बाधी बाधी लड़ाई तो उन्होंने जो है लवप्रीत सिंह काली धुकिया का मुंडा इन्होंने गोली मारी लवप्रीत जो सजे पाने की लगी है तो बाकी होर फैल फुट से मार दे मुकदमा दर्ज करके सर के धारा लगी है जो मुकदमा दर्ज कोई रेस्ट पई है 144 बंद आ गया कोई बंदा अरेस्ट होया हुंदा कि मुकदमा दर्ज करके रेस्ट। बीते दिन अमृतसर के कोर्ट मीत सिंह पुलिस इंस्पैक्टर के बेटे वालों एक्साइज विभाग के मुलाजम को जान तो मारन तो बाद उसकी लाश से भंगड़ा पाया गया। फिलहाल पुलिस वालों मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि इंस्पैक्टर का बेटा किस तरह कतल करन तो बाद मृतक दे ते भंगड़ा पा रहा है ते विरोध में अज परिवार ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घराव किया ता जो पुलिस मुलाजमान पता लगे ते मुलजमान नूं फड़िया जावे। परिवार वालों प्रदर्शन किया गया साफ नहीं मिले अज 5 दिन हो गए तो ना वो फड़े गए ने तो सानू इंसाफ चाहिए कि जल्द तो जल्द फड़ के इन्हों फांसी दी जाए जिन्हां ने इन्हों मारिया मेरे हसबेंड नूं। कारण कुछ भी नहीं गड्डी लगी ही गलत राह ते इन्होंने कहा साड़ी गड्डी लंघ लैन दो ते अगे जेड़ा गड्डी च बैठा ही कहिंदा तू मैनू जानदा नहीं मैं अंतर कालू मेरा नाम है तू मैनू जानदा नहीं है। बस ये गड्डी साइड ते करवांदे सी मगर वह आने के इन्होंने वार करता वै दोनों भरावां ते उन्हू वखरा लै गए तो इन्हों वखरा लै गए तो सिर ते रोड़ा मार के तो चैक भी इन्होंने किया सीसीटीवी कैमरे च आई है वीडियो फिर कहिंदे दोनों भरा मर गए आ चलो जी हुण चलीए फिर भंगड़े पाए इन्होंने लाश लागे सानू हुण इंसाफ चाहिए। लड़का कहदा सी जिन्होंने मारा लड़का DSP का सब इंस्पैक्टर का अंतर कालू नाम की उन्होंने रजिंदर सिंह कालू का लड़का अंतर कालू। दीनानगर के बहरामपुर पुलिस थाने के सामने बीती देर रात पैसों के लैण देन लैके दुकानदार ते प्राइवेट डॉक्टर दे विच झगड़ा होण तो बाद दुकानदार दे प्राइवेट डॉक्टर दे सिर विच लोहे की रोड़ मार दिती ते उसका कतल कर दिता। मौके ते पहुंची पुलिस ने मृतक डॉक्टर की लाश नूं कब्जे विच लै पोस्टमार्टम लई भेज दिता है ते मृतक डॉक्टर के परिवारक मैंबरां दे बयान दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। दुकानदार ते डॉक्टर विचाले झगड़ा होया तकरार इन्नी ज़्यादा वध गई। नहीं मोहित नंदा जो कि एक डॉक्टर है इत BAMS की जो डॉक्टर है तो दुकान चलाता बहरामपुर ये वाइफ जी है पूनम इन्हें थाने कल आके इतलाह दी रात को कि मेरा जो घर वाला सीगा वो मैं वेट करती रही शाम रूटीन चो अपने क्लीनिक तो वापस आ जाते घर तो आए नहीं तो जो तो मैं शामी इन्हें कोई 6 बजे फोन किया तो उन्हें यह दसिया कि एक लक्की बूट हाउस है उत्थे जिदा ये मालिक है लखविंदरपाल लक्की भी वो को उन्हें पैसे देते व्याजी अफसर है जो डॉक्टर है व्याजी पैसे लेंदा सीगा ते डेली बेस से किस्तों के पैसे 500,000 रुपया डेली के हिसाब से वापस लेंदा सी
भी उन्हें दसिया कि मैं लक्की वाल पैसे लैन आया शाम उन्हें दसिया अपनी वाइफ ने जो ये दुकान पर राती गई वह घर नहीं आया तो इन्होंने पहला दुकान पर वेख्या नहीं मिले फिर लक्की की दुकान पर गए तो उत्थे भी शटर दुकान का बंद सीगा चाचा सहरा नाल सीगा तो वह पर अंदर पखा चलता सी सो इन्होंने शक पै गया इन्होंने शटर खोल के जो वेख्या तो उत्थे अंदर एक बोरी के डॉक्टर छेवें पे कमीशन नूं लैके सूबा सरकार दे खिलाफ लगातार सरकारी मुलाजम कलम छोड़ हड़ताल ते पिछले चार दिनों तो रोस प्रदर्शन करन दे लई मजबूर ने। ये जो तुसी तस्वीरां टीवी स्क्रीन ते वेख रहे हो ये नाभा दे तहसील कॉम्पलैक्स दियां ने जिथे वख-वख महकमे दे मुलाजम पंजाब सरकार दे रोस प्रदर्शन कर रहे ने जिस विच SDM दफ्तर तहसीलदार दफ्तर PWD दे कर्मचारियों ने सरकार खिलाफ पिट स्यापा किया। इन्हां मुलाजमां वल्लों सख्त चेतावनी दी गई है कि जेकर छेवें पे कमीशन विच सोध ना की गई तो इस दे नतीजे आने वाले विधानसभा विच भुगतने पैणगे। सीधी सीधी चेतावनी। फिलहाल इस बुलेटिन से नई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।